इंदौर के C21 मॉल में मंगलवार सुबह भोपाल ATS और इंदौर पुलिस DBS की टीमों ने आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में हिंदू समाज के त्यौहार आने वाले हैं, जिसको देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा इंदौर शहर के जितने भी बड़े मॉल हैं उसमें इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों से आसानी से निपटा जा सके, ये बताया जा सके। वहीं पर ACP आनंद सोनी ने बताया है कि यह अभियान मॉल भीड़भाड़ वाली जगह पर आने वाले त्योहारों को देखते हुए किया गया है। सर, एक मॉक ड्रिल बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारे महानगर में जो अगर कोई संभावित घटनाएं ऐसी होती हैं, आतंकवादी घटनाएं, उनके लिए अभ्यास हम करवा रहे हैं। इस पूरे अभ्यास में लोकल पुलिस, BDDS टीम और ATS भोपाल और इंदौर की टीमें शामिल हैं जो ये अभ्यास कर रही हैं। सर, ये जो अभियान है कहाँ कहाँ शहर में और मॉक ड्रिल की जाएगी? बेसिकली कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद हमारे पुलिस कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। जितने बड़े बड़े मॉल हैं, होटलें हैं जहाँ पे VIP ठहरते हैं, या जो बड़े मॉल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे समय इन्हीं सभी मॉलों में की जाएगी। सर, क्या आतंकवादी गतिविधियों कैसे नियंत्रित किया जाता है, वो मेन फोकस बना हुआ है? बिल्कुल, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए यदि इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, इसकी SOP क्या होगी, किस डिपार्टमेंट के लोग को क्या कार्रवाई करनी है, ये सब इसमें हम सिखाया जा रहा है। आगामी त्यौहार भी शहर में, क्या शहर में भी बड़े इलाकों में भी यदि कोई मॉक ड्रिल या कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल, आगामी त्यौहारों को और भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा समय समय पर लोकल पुलिस के द्वारा, BDS टीम के द्वारा उनको चेकिंग की जाती है, उनकी रेकी की जाती है और वहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहें, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। मॉक ड्रिल में क्या मेन एक्सरसाइज की जा रही है? ये मॉक ड्रिल हमारी सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी के होने पर जो किया जाएगा उसका अभ्यास है। आनंद सोनी, ACP सिक्योरिटी इंदौर।